अपना झूठ कबूल करने आया हूँ। कैसा झूठ? वो बुके मैंने भिजवाए थे। अदा किया था मैंने तुम्हें, समझाया था, वॉर्न किया था कि दूर रहोगे तुम मेरी बीवी से। कुछ और भी कहना है तो कह, लेकिन इस सब में दिलनशीन का कोई कसूर नहीं है। तुम दिलनशीन? नहीं नहीं नहीं, अपने गिल्ट की वजह से आया, और अगर वो बुलाती तब भी आता। उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओके ओके, प्यार करता हूं उससे, और उससे भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला आया। तुम इसको मेरा पागलपन समझो या मेरी बेवकूफी, हो गई गलती यार। भेज दिए बुके, भेज दिए बुके, गलती। तुम्हें लगता है ये हेदर, क्या कर रहे हो? एक मिनट मां, बात करने दीजिए मुझे इससे। ये जो थप्पा तुम्हारे मुंह पे लगा है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि दीवानगी और बेवकूफी से तुझे कैसे बाज रहना है। नाउ गेट आउट। समझ नहीं आया तुझे? माय सेट, गेट आउट। जाइए आप लोग अंदर। से भी ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए, इसलिए चला है। खुद तो अपने दिल से मेहमत को निकाल नहीं सके, और बात करते हैं मेरे अफेयर की। ये थप्पड़ तुम्हारे काल पर जरूर पड़ा, लेकिन तुम्हारे लफ्ज तीर की तरह मेरे दिल पर लगे। आपने मेरी रूह को जख्मी किया है। हमजा, किससे लड़कर आ रहे हो? अच्छा लगा आप लोगों को अपने लिए इतना परेशान देखकर। इससे ज्यादा कंसर्न मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही मेरे अंदर इतना स्टैमिना है कि आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकूं। सो गुड नाइट। हमजा, क्या हो गया इसको? मैं देख रहा था।
गलनशीन प्लीज एक एक छोड़े मेरा सुनो मेरी बात सुनो। तुम पे एतबार ना करके मैंने वाकई बहुत बड़ी गलती की, लेकिन खुद बताओ तो मैं और क्या करता इस सिचुएशन में, और किस तरह से रिएक्ट करता मैं? खुद को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं आपके पास। मैं सारी जिंदगी भी अपनी गवाही देती रहूंगी, अपने किरदार की पाकिजगी की सफाइयां देती रहूंगी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी आपका भरोसा नहीं जीत पाऊंगी, कभी नहीं। एक दफा तुम्हारे मुंह पे लगा है, ये तुम्हें याद दिलाएगा कि अपनी दीवान की और अपनी बेवकूफी से तुमने पास रहना।
दिया है इस्लाम ने। अच्छी खासी समझ बूझ को खा जाता है। बातें नहीं कर रही है मुझसे। इस मर्तबा हमसे बहुत ज्यादती हो गई उसके साथ। गुस्से में इतना बड़ा बोहतान लगा दिया उसमें। अल्लाह माफ करे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे हैदर। गुनाह की भी तो माफी होती है ना माँ। माफी हो जाएगी। बीवियों के दिल बहुत कुशादा होते हैं। फिक्र मत करो, माफ कर देगी। तुम ऐसा करो, उसके लिए कुछ ले आओ या फिर उसे कहीं साथ घुमाने फिराने ले जाओ। हैदर, क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें रात को, तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहाँ थे तुम? कहीं जा रही हो? अम्मी के घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मेरे कहने पे आप इन्हें कहाँ छोड़ेंगे? नहीं नहीं दिलनशीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। मैंने तो ना हमजा का हाथ पकड़ा, ना उससे मेरी, फिर भी आपने वो ही समझा जो नहीं समझना चाहिए था। मैंने आपसे कभी आपके किरदार की ना गवाही मांगी और ना ही कोई सफाई, क्योंकि आप मर्द हैं। मर्द को तो हर चीज की इजाजत होती है ना। मगर अगर औरत पर शक भी हो जाए तो भी उसे गैरत के नाम पर मार दिया जाता है। जबकि मर्द पर यकीन भी हो तब भी वो दीदा दलेरी के साथ अपनी एक्स को और अपनी बीवी को साथ साथ रख। बस कर दो प्लीज। कौन आया आफिया? देखती हूँ अम्मी। सलाम अलैकुम भाभी। दिलनशी प्लीज यहाँ से चली जाओ। क्यों, क्या हुआ? अम्मी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए क्या मेरे लिए? खुदा के वास्ते यहाँ से चली जाओ। कौन है? अम्मी बराबर वाली जकी आंटी आई है। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? क्या मतलब है, क्या हो रहा है? अरे जकी आई है तो फिर उसे दरवाजे पे खड़ा कर।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बर्बाद कर दिया ना हमें। अरे ये दिन देखना था मुझे कि तेरी सास तेरे शौहर के साथ आई थी मुझसे तेरे आशिकों की फेरिस्त मांगने के लिए। बोल कितने आशिक पाल रखे हैं तूने? कौन है वो दीवाना, कौन है वो दीवाना जिसने जिसने तुझे फूल भिजवाए थे इस साल? बोल जवाब दे, जवाब दे बोल। दिलनशीन, ये आपके दिए हुए जख्म है माँ। आपको मेरे घर जाकर मेरी अम्मी को शिकायत लगाना तो याद रहा, ये पूछना भी याद रहा कि मेरे कितने आशिक हैं। अगर जब हमजा यहाँ आया और उसने अपनी गलती को कबूल किया वो बताना याद नहीं रहा? आपको तो मैंने माँ समझा था, मगर आप सास बनकर मेरे उन ऐबों का ढिंडोरा पीटने मेरे घर चली गई जो मुझमें थे ही नहीं। मेरी अम्मी ने मारा है मुझे और ये निशान भी दिए। कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, पर उनका क्या जो मेरे रूह पर लगे हैं माँ? बहुत बड़ी सजा दी है आपने मुझे उन गलतियों की जो मैंने कभी की ही नहीं। बहुत बड़ी सजा दी है आपने और आपकी बेटी। तुम रो रही हो दिलनशी? हाय हमजा। व्हाट्स रॉन्ग, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मेहमान, आप जो दिलनशीन के साथ कर रही हैं मुझे किसी सूरत पे वो मंजूर नहीं है। हाँ, मैंने आपसे दोस्ती की थी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दिलनशीन को हर्ट करें या उसे अपना विक्टिम बनाएं। मैं दिलनशीन की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करूंगा, और ना ही उसके आंसुओं का रीजन बनूंगा। लोग दिख रहे हैं। आई कैन नॉट। दिलनशीन के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो अपनी जिंदगी में खुश है अपने शौहर के साथ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम उसके लवर्स थे, उसके गार्डियन बन गए। मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए उसे तकलीफ दो। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो
वो अनजाने में हुआ। अब मुझे आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना और ना ही आपकी कोई मदद चाहिए। और एक बात और, दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो ना तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा और दिलनशीन के खिलाफ तो कुछ सोचिएगा भी मत। मुझसे तेरे आशिकों की फेहरिस्त मांगने के लिए बोल, कितने आशिक पाल रखे हैं तूने? मेरी मोहब्बत इतनी खुदगर्ज नहीं है कि उसे हासिल करने के लिए उसे तकलीफ दो। प्यार करता हूं उससे और उससे भी कहीं ज्यादा उसकी इज्जत करता हूं। उसकी इज्जत, उसके वकार में कोई कमी ना आए इसलिए चलाया। मेरा चेहरा कितने एहसासात की तस्वीर बन गया है, दर्द, कर्ब, प्यार और हसरत। हेलो, थैंक यू, थैंक यू मेरी मेरी रूह पे लगे जख्मों पे मरहम रखने के लिए। थैंक यू ये प्रूफ करने के लिए कि मेरी पसंद गलत नहीं थी। पसंद गलत थी तो मेरी अम्मी और भाई की। बात कर लिया करो। किसी और मर्द के जख्मों पर मरहम रखने की हिम्मत रखते हो? एहसास रखता हूँ क्योंकि खुद जख्मी हूं ना तो दर्द की शिद्दत का अंदाजा लगा सकता हूँ। अगर तुम्हें नहीं लगता बातों से हसरतें और बढ़ जाएंगी और नए जख्म पैदा हो जाएंगे। कम से कम पुराने जख्मों से खून बहना बंद हो जाएगा वरना वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। मैं अभी फोन रखती हूँ। मुझे अभी ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये जगह सेफ भी है या नहीं। ओके, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हमेशा की तरह, हमेशा के लिए, हर वक्त, हर घड़ी। I love you, Dilnashin. Okay, goodbye.
मेरे गाल पर ये निशान अफेयर की वजह से नहीं, हैदर से रिश्ता जोड़ने की वजह से पड़े हैं। और जिससे रिश्ता ही नहीं, उसने यही थप्पड़ महमल की रूह पर मार दिया। आप जो दिलनशीन के साथ कर रही हैं, मुझे किसी सूरत में वो मंजूर नहीं है। हाँ, मैंने आपसे दोस्ती की थी, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दिलनशीन को हर्ट करें या उसे अपना विक्टिम बनाएं। और एक बात और, दिलनशीन का दुश्मन मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो ना तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा और दिलनशीन के खिलाफ तो कुछ सोचिएगा भी मत। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या, जिस मर्द पे साया पड़े वो ही उसके गुण गाता है। उसे तो मेरी नजर मेरी हसरत की हाय भी नहीं लगती। क्या बात है, सब ठीक है? ईशल की तबीयत ठीक है? यकीन नहीं आता मुझे कि तुमने इतने साल मेरी बेवफाई का जोक लिया होगा। अगर किसी से तीन अल्फाज बोल के इतनी मोहब्बत हो सकती है कि उसे मनाने के लिए तुम गिफ्ट्स ला रहे हो, फ्लावर्स ला रहे हो, तो किसी से भी शादी करके अपना घर बसा लेते। इतने साल शादी ना करके मुझे गिल्ट में क्यों रखा? I'm sorry, अगर मुझे मोहब्बत नहीं थी ना, तो तुम्हें भी सिर्फ जिद ही थी। और अगर मोहब्बत देखनी है ना, तो जाके अपनी बीवी के महबूब की देखो, उसकी मोहब्बत में से खोने को भी तैयार। शायद इंसान मोहब्बत की बेबसी पे जब पहुंच जाता है तो फिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। मैं सिर्फ खुश रहने की कोशिश कर रहा हूं। तुम भी मायूस होकर मेरे पास लौट रही हो। अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए तुम लड़ती रही हो, मुझे भी लड़ने दो। लड़ूंगा मैं भी आखिरी सांस तक। ठीक है, तो फिर अब मैं तुम्हारे निढाल होके वापस लौटने तक इंतजार करूंगी। लेकिन अब तुम्हें पाने की जुस्तजू में खुद को थकाऊंगी नहीं। थकर नहीं मारती, जिल्लत मार देती है।
बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, बिजी नहीं हो, बल्कि तुम्हारे लिए तो हर वक्त फ्री हूँ, हमेशा। शायद कोई आया है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। बाय। दिलनशीन, मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? इतना इख्तियार देके शर्मिंदा ना करें, ये घर भी आपका है और ये कमरा भी। नाराज हो, हक बनता है तुम्हारा, लेकिन इस तरह से अजनबियत तो मत दिखाओ। अपनी अम्मी के घर गई थी मैं आज। आपको पता है जब शादीशुदा लड़कियां अपने महके जाती हैं तो मेहमान नवाजी आओ भगत होती है, और मैं थप्पड़े खा के आ रही हूं। ओ गॉड, आई एम सॉरी। सॉरी नहीं सुनना, लेकिन मेरा कहना बनता है। यही तो होता है, जिसको जो कहना चाहिए वो नहीं कहता, और जो नहीं कहना चाहिए वो कह देता। मैं नहीं समझा। क्यों, क्या हुआ, फिर से शक हो रहा है आपको मेरे ऊपर? नहीं, कसम ले लो, मैं खत्म करना चाहता हूँ सब, हमारे दरमियान जो भी हुआ गलत फहमी थी, खत्म हो गई। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो, इसलिए बनाना चाहता हूं तुम्हें। फूल लाया तुम्हारे लिए कि तुम मान जाओ, तोहफा भी लाया, उम्मीद करता हूं तुम्हें अच्छा लगेगा, ये ले लो। प्लीज। दिलनशीन, मुझे पहना। किसी भी शौहर के लिए ये जो कुछ हो रहा है, ये जो वक्त है, ये बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए प्लीज तुम मुझे और मेरी मां को समझने की कोशिश करो। सब कुछ जो हो रहा है बहुत अज़ियतनाक है मेरे लिए। हमेशा से मैं अपनी चीजों के लिए बहुत पज़ेसिव रहा हूं, मैं क्या कोई भी हो
अपनी चीजों के लिए अब अपनों के लिए वो ऐसा ही होता है ना। समझ में नहीं आ रहा है ना कि मेरी बीवी का आशय अचानक से पैदा हो गया जो जो मरता था है मरता है उसमें आज भी। ये सब समझने में जानने में वक्त लगता है। एक बार अपने आप को मेरी जगह पे लाकर देखो। मैंने हमेशा तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाए, एक कदम सिर्फ एक कदम मेरी तरफ।